जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। जी जी देखें, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो हमने कंज्यूमर बन के सोचना है, जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है तो हमने सेलर बन के सोचना है। मुझे बताइए, अगर मैं सप्लायर हूँ, सेलर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ किसी भी चीज़ का, और मार्केट में उस चीज़ की प्राइस अगर इंक्रीज होती है, तो क्या मेरे सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे पे? क्या मैं मार्केट में ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करना चाहूँगा या कम? ज़्यादा। इसीलिए जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती है तो किसी चीज़ की, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह अगर मार्केट में प्राइस डिक्रीज होती है, तो क्योंकि मैं अब सेलर हूँ, मेरे लिए अब ये बैड न्यूज़ है, मेरे लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को छोड़ के, उसकी सप्लाई कम करके किसी ऐसी चीज़ की तरफ मूव करूँगा जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा, क्योंकि अब इसकी प्राइस कम होने की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इफ़ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज, एंड इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेज, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेज। ठीक है सर जी। जी जी नहीं नहीं हम सिर्फ ये देख रहे हैं टाइम एंड सप्लाई रिलेशनशिप में, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की डिमांड या सप्लाई में शॉर्ट टर्म चेंज आए तो हमारे जो डिसीजंस होंगे, जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो भी शॉर्ट टर्म होगा। और अगर लॉन्ग टर्म चेंज आता, लॉन्ग अगर किसी चीज़ की डिमांड में फ़र्ज कीजिए शॉर्ट टर्म इंक्रीज आता है, तो मैं सप्लायर हूँ, मैंने उसकी सप्लाई भी बढ़ानी है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म बढ़ाऊँगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर किसी चीज़ की डिमांड में लॉन्ग टर्म में इंक्रीज आता है, तो फिर मैं सप्लाई भी हो सकता है उस हिसाब से लॉन्ग टर्म बनाऊँ, ठीक है। फर्ज कीजिए मेरी एक शॉप है और पता चला रमज़ान में जो है वो समोसों की डिमांड बढ़ गई, अब ये आपको पता है शॉर्ट टर्म इंक्रीज है, मैं इसके लिए ये नहीं करूँगा कि साथ वाली कोई पक्की दुकान खरीदूंगा और उस पर वो समोसे लगाना शुरू कर दूंगा, वरना मुझे एक महीने तो आमदनी होगी, 11 महीने वो दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं इसकी बजाय कोई आर्जी इंतजाम करूंगा, मैं कोई रेडी लगा लूंगा साथ, कि मुझे पता है 1 महीना चलनी है, उसके बाद 11 महीने तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे पता चले कि फ़र्ज़ कीजिए 12 महीने ही इस चीज़ की डिमांड हायर रहेगी, लोग कंज्यूम करेंगे इस चीज़ को, तो फिर मैं जो डिसीजन करूंगा उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है सर, और की क्वेश्चन? प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन। देखिए, कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन समझने, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन समझने से पहले आपको कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो क्या है। कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन का मतलब ये है ऐसी चीज़ें जो कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से इकट्ठे प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी थी बीफ और लेदर, ठीक है, वो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से, आप गाय पालें तो एक ही प्रोसेस से आपको दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं। अब कंप्लीमेंट्री प्रोडक्शन में अगर प्राइस इंक्रीज होगी, फर्ज कीजिए अगर बीफ की प्राइस इंक्रीज हुई, हम रूल के मुताबिक उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। अब बीफ की सप्लाई इंक्रीज होने से जो लेदर की सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का रूल अपोजिट है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन या सिंपल सब्स्टिट्यूट? हाँ, सब्स्टिट्यूट। पहले तो आपको सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ सकेंगे। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक फर्म दो चीज़ें सप्लाई कर रही है, लेकिन दोनों में प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जैसे यूज हो रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? हम जब चाहे एक प्रोडक्ट के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को निकाल के दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो डाल सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की क्लासिक एग्जांपल आपको दी थी मैंने, कि जैसे पेप्सी कंपनी है, वो लेस भी बना रहे हैं, वो पेप्सी की बोतल भी बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी,
तो इसमें वो दोनों एक ही कंपनी बना रही है, इसमें लेबर भी उधर भी इस्तेमाल हो रही है, लेबर उधर भी इस्तेमाल हो रही। लेकिन फर्ज कीजिए अगर लेस की प्राइस बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन है, लेस की प्राइस बढ़ जाती है तो जो दूसरी प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन में यानी पेप्सी, इसकी सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेज की सप्लाई बढ़ाने के लिए मैं पेप्सी के फैक्ट्रो प्रोडक्शन निकाल के लेज में लगा दूंगा, जिसे लेज की तो सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन पेप्सी की सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन में अगर एक चीज की प्राइस बढ़े उसकी सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन जो दूसरी सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन में चीज है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। जबकि कंप्लीमेंट्री प्रोडक्शन में अगर एक चीज की प्राइस बढ़ेगी उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसके साथ साथ कंप्लीमेंट्री प्रोडक्शन की भी ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर हो ये बात? जी जी मेरे पे 1 मिनट हरी जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज कैसे इफेक्ट करती हैं सप्लाई को? देखिए इसको रिलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस जो है वो बिजनेसमैन के लिए खर्चा होता है। अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी किसी भी प्रोडक्ट पे, बताइए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी, तो उसकी सप्लाई क्या होगी फिर? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होती है और इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी। सब्सिडी का कंसेप्ट इसका ऑपोजिट है। सब्सिडी से, सब्सिडी गवर्नमेंट राय देती है ना, सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज अलाउ करेगी तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज वापस ले लेगी, कम कर देगी, तो फिर हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के सब्सिडी वापस लेने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम। ठीक जी, आज को आपका क्वेश्चन? नहीं, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, इन दोनों में फर्क है। जो वर्ड सब्स्टिट्यूट है इसका ताल्लुक है कंजम्पशन के साथ। सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिफाइन करते हुए हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना है, जबकि सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का ताल्लुक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से है, सेलर सप्लायर से है। इसको डिफाइन करते हुए उन्हें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन कौन सी है? फैक्ट्री एक ही है, ठीक है, लेकिन आप दो डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अल्टरनेटिव ही है ना, अल्टरनेटिव इन द सेंस कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या तो गुड ए में लगा सकते हैं या गुड बी में लगा सकते हैं। गुड ए में लगाएंगे तो गुड बी प्रोड्यूस नहीं होगी, गुड बी में फैक्टर प्रोडक्शन लगाएंगे तो गुड ए प्रोड्यूस नहीं होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं। डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया आपने सप्लाई के, सारे डिटर्मिनेंट्स क्लियर है। अच्छा बताइए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट है सप्लाई का वो कौन सा है? और अदर डिटर्मिनेंट्स में सारी लिस्ट आ जाएगी। अदर डिटर्मिनेंट्स को हम नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। एग्री करते हैं इससे? सिमिलर कंसेप्ट। अटेंटिव होके देखें, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है फिर आप एकदम से कंफ्यूज ना हो जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट हमने डिमांड में भी पढ़ा, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें एक डिटर्मिनेंट था प्राइमरी जो कि प्राइस ऑफ द गुड था, दूसरे डिटर्मिनेंट से सेकेंडरी जिनको हम और क्या नाम देते थे? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। मेरे भाई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की कोई एग्जाम्पल तो बताइए डिमांड के केस में। फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, शाबाश, एडवर्टीजमेंट है, पॉपुलेशन है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड है, यही एग्जाम्पल थी। एक मिनट रुक जाए, यहां बता क्या रहे हैं? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। इसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड कहां से आ गए?
हाँ कंसेप्ट यही है, बिल्कुल ठीक है शाबाश, कि जब हम नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो इसमें नॉन प्राइस से मुराद मेन गुड की प्राइस है। ठीक है, स्टूडेंट कहने लगा सर नॉन प्राइस डिटरमिनेंट में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कहां से आ गया, ये तो प्राइस डिटरमिनेंट बन गया। नहीं नहीं नहीं, ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट ही है। वो क्यों नॉन प्राइस, क्योंकि ये मेन गुड की प्राइस थोड़ा ही है, ये तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड है। इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई में हमने डिफरेंट डिटरमिनेंट्स पढ़े, उनमें प्राइमरी डिटरमिनेंट जो है वो प्राइस ऑफ द गुड है, फिर उसके बाद सेकेंडरी या जिसे नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कहते हैं वो है। अब नॉन प्राइस डिटरमिनेंट में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन भी है, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन भी है। क्वेश्चन ये हेडिंग तो हमारी चल रही है नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, उसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन कैसे आ गया, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन कैसे आ गया? वो इसलिए कि ये प्राइस जरूर है, प्राइस फैक्टर जरूर है, लेकिन ये मेन गुड के प्राइस नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट गुड की या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन या कंप्लीमेंट्री प्रोडक्शन किया। तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कह रहे हैं और फिर उसमें प्राइस भी इंक्लूड कर रहे हैं। वो प्राइस जो इंक्लूड कर रहे हैं फैक्टर, वो मेन गुड का फैक्टर नहीं है। समझ आ रही है बात जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ लिए, इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंटेंशनली स्किप किया था, आज वो करवाने जा रहा हूँ, रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस क्या होती है? देखिए, रिजर्व प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जो कि सेलर के लिए एक्सेप्टेबल है, इससे कम पे सेलर सेल नहीं करेगा। आपने अक्सर देखा होगा शायद ऑक्शन वगैरह जब होती है, चीज़ों की नीलामी होती है, तो बाजू का लिखा होता है रिजर्व प्राइस 2 लाख रुपया। इसका मतलब क्या होता है कि जो बोली शुरू होगी वो 2 लाख रुपए से शुरू होगी, इससे कम कोई भी अमाउंट कोट ना करे बंदा, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इससे कम पे सेल होगी ही नहीं, रिजर्व प्राइस कहलाती है। वो मिनिमम प्राइस जिससे कम पे कोई सेलर चीज सप्लाई नहीं करेगा, रिजर्व प्राइस। वो कहते हैं रिजर्व प्राइस जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कंसेप्ट आसान है, रिजर्व प्राइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कहते हैं रिजर्व प्राइस डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड पे, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव पे, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं छोटे मोटे। पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैसे रिजर्व प्राइस इफेक्ट करती है, बहुत आसान, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, हायर प्राइस, हायर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर है तो रिजर्व प्राइस क्या होगी, हाई होगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, रिजर्व प्राइस भी क्लियर। आगे, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी जगह के कंज्यूमर जो हैं वो उनकी इनकम बहुत ज्यादा है तो रिजर्व प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर किसी जगह पे जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो कम है तो रिजर्व प्राइस क्या होगी, कम होगी। आप देखिए तकरीबन एक जैसी चीज, फर्ज कीजिए अगर वो आप इशरा में से खरीदते हैं आपको किसी और रेट पे मिलेगी, अगर आप गुलबर्ग एमएम आलम रोड पे चले जाएं तो वहां पे आपको तकरीबन वही चीज किसी और रेट पे मिलेगी, फर्क ज्यादा होगा। ये किस चीज की वजह से है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी इनकम ज्यादा है, वहां पे रिजर्व प्राइस भी सेलर ज्यादा रखते हैं, और जहां पे इनकम कम होती है वहां पे रिजर्व प्राइस भी कम। ये जो बुक आपने परचेज की है, ये कितने की परचेज की है, 350 की, चार आपको शायद ये 350-400 की, 600-700 की, ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स परचेज करते हैं। आप अगर यूएसए में जाके किसी एक सब्जेक्ट की बुक परचेज करें, वहां पे 20-25 हजार की एक बुक मिलती है, एक सब्जेक्ट की 20-25 हजार की। प्रिंटिंग क्वालिटी का फर्क होता है लेकिन वो इतना ज्यादा फर्क भी नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे हाई प्राइस किस लिए रखी हुई है, क्योंकि यूएसए में जो एवरेज सिटीजन है उसकी इनकम एवरेज पाकिस्तानी की इनकम से ज्यादा है, तो रिजर्व प्राइस डिपेंड करती है इनकम ऑफ कंज्यूमर पे भी। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर किसी गुड्स के ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, गैस कीजिए रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्व प्राइस ज्यादा रखते हैं कंज्यूमर तो सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ चला जाएगा, और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है कम होगी।
ये कंसेप्ट जहन में रखिएगा, आगे चल के यूज होना है फिर ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, अगर कंपनी जो है वो मार्केट में, फॉर एग्जांपल एक अकेली कंपनी है जैसे वाबडा, उसका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो वो प्राइस अपनी ज्यादा रखेगी सर प्राइस। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसी कंपनी है जो नहीं है, उसकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? उसकी स्ट्रेटजी है कि मैंने अभी प्रॉफिट नहीं कमाना, मैंने लोगों को अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है। तो बताइए अगर ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट में एंट्री है, मार्केट में अपनी जगह बनाना है ताकि लोगों को अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की जा सके, रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। शुरू शुरू में जापान ने जब अपनी चीजें दूसरे मुल्कों में भिजवाई तो इंटेंशनली अपनी कॉस्ट से भी कम पे चीजें सेल की उन्होंने, किस लिए? ताकि लोगों को एक था पता चल जाए मेड इन जापान क्या चीज होती है। फिर जब मार्केट कैप्चर कर ली उन लोगों ने, फिर जो रेगुलर प्राइस होनी चाहिए उनसे भी ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने, पता आप लोगों को पता चल गया कि हमारी प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती है, ड्यूरेबल गुड्स होती है। तो इसीलिए जो फर्म है, कंपनी है, उसके ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव क्या। फिर इसके अलावा अदर फैक्टर्स है जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, टैक्सेस, सब्सिडीज वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं उन पे डिपेंड करता है। तो रिजर्व प्राइस जो है, क्या ये कंसेप्ट समझ आ गया? और रिजर्व प्राइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये भी क्लियर हो गया? चले जी, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी पूछिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये सुन लीजिए, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक जैसे गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हो। जैसे क्या, नोकिया का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, ये हुआवे का मोबाइल या दूसरे मोबाइल जो सैमसंग, ये मोबाइल सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे का? बिल्कुल है। आप एक मोबाइल इस्तेमाल कर लें, वो अगर नहीं तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? उसके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट बहुत कम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉर्मली यही यूज किया जाता है, एक तरह से कह ले तो उनकी मोनोपोली है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। तो अब अगर किसी गुड्स के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो वो अगर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगा, आप खुद बताइए कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करेंगे कि दूसरी गुड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? दूसरी गुड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इसीलिए अगर सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल हैं, अगर किसी गुड के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसकी रिजर्व प्राइस नॉर्मली कम होती है, क्योंकि रिजर्व प्राइस ज्यादा रखने की सूरत में उसे नुकसान होगा, कंज्यूमर उससे चीज नहीं खरीदेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? जी मेरे भाई, वो रेगुलेशन भी इफेक्ट करती है, जैसे समटाइम्स जो है गवर्नमेंट कोटा सिस्टम लगा देती है कि आप सिर्फ इतनी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं या मिनिमम प्राइस इतनी होगी। ठीक है, वो कहते हैं ये फैक्टर्स भी है, ये जनरल पॉइंट्स हैं, ये फैक्टर्स भी फेल कर सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या। अगर इकोनॉमिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेशन है, अगर इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में है, कारोबार ठप पड़े हैं, तो वहां पे नॉर्मली कीमतें कम होती हैं, और जब इकोनॉमी बूम पे हो, ठीक है, तो वहां पर कीमतें ज्यादा होती हैं। जी, और की क्वेश्चन? नहीं, चलिए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर 2 का, जो क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 3.2 और 3.11 में ये डिस्कस हुआ है। ठीक है, आईकैप के क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जाहिर है इसका यह मतलब नहीं कि पास पेपर में कभी आया ही नहीं ये टॉपिक, टेस्ट हुआ है। पास पेपर में जो क्वेश्चंस है वो आपको फिर राइज की बुक के एंड में मिल जाएंगे, आपने उनको प्रैक्टिस करना, उन क्वेश्चंस को वैल्यूएट करने के लिए कि कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। कंसेप्ट सुन लीजिए, कंसेप्ट बहुत आसान है, ये लॉ ऑफ डिमांड का ऑपोजिट कंसेप्ट है।
और दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को सही तरीके से समझ लिया तो आपने 50% इकोनॉमिक समझ ली। अगर फिर सुन लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को समझ लिया अच्छे तरीके से तो आपने कंसेप्चुअली 50% इकोनॉमिक समझ ली। यानी इकोनॉमिक्स के 50% कंसेप्ट इस लॉ पे बेस कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड पे और लॉ ऑफ सप्लाई पे। और लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही है, सिर्फ अपोजिट साइड पे ऑपरेट करता है, वर्क करता है। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर किसी वजह से हम लॉ ऑफ डिमांड को नहीं पढ़ सके, उस दिन हम फॉर एग्जांपल लेट आए थे, छुट्टी की थी, किसी वजह से नहीं कवर कर सके, तो अगर आज का लेक्चर आप सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह लॉ ऑफ सप्लाई तो क्लियर होगा ही, लॉ ऑफ डिमांड का कंसर्न भी क्लियर हो जाएगा साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई। आपको पता है कि जब इकोनॉमिस्ट किसी भी लॉ को डिस्क्राइब करते हैं तो वो कितने तरीकों से डिस्क्राइब करते हैं, तीन। मैसेज एक ही देना होता है उन्होंने, लेकिन तरीकाकार तीन है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, टेबल या शेड्यूल की फॉर्म में जिसे न्यूमेरिक एग्जांपल भी कहते हैं, और डायग्राम या ग्राफ की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस लॉ को पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, जिसमें ज्यादातर इंसान इसको पढ़ सके, समझ सके। जैसे अखबार होता है, अखबार की स्टोरी होती है, उसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। कहता है प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेज, सेटरस पारिबस। ये बात समझ आते हैं कि अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। सेटरस पारिबस का मतलब क्या है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। ये कौन से वाले अदर फैक्टर्स जिनकी तरफ इशारा कर रहा है कि सेम रहने चाहिए, शाबाश, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट। याद है आपको नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कौन कौन से हैं, बिल्कुल। और ये सेटरस पारिबस यानी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को सेम कर देना, कॉन्स्टेंट कर देना, अनचेंज कर देना, इकोनॉमिक्स में इसको क्या कहते हैं, हमने क्या किया, अजम्पशन ली, हमने अज्यूम किया कि अनचेंज। इसे अजम्पशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रैक्टिकली आप इन चीजों को कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली समझने के लिए आप लादा कर सकते हैं इनको, अजम्पशन। तो बताइए लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन में अगर आपसे पूछूं, कंसेप्चुअली बताओ लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन एक लाइन में, आपने क्या लाइन बोलनी है, आपने कहा सर नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई शुड रिमेन कांस्टेंट। और अगर एग्जाम में आई कैम चार नंबर के साथ पूछ ले लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन बताओ, तो आपने फिर एक लाइन नहीं लिखनी, फिर आपने एक एक फैक्टर को पकड़ के लिखना है कि इसको चेंज नहीं होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन फिक्स्ड। जैसे कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम, टेक्नोलॉजी शुड नॉट चेंज। मैं थोड़ा सा चेंज कर देना अल्फाज को, सेम की बजाय कह दें नॉट चेंज या रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। वैसे तो वो भी लिखते जाए मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर को हमने थोड़ी वैरायटी प्रोड्यूस करनी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज शुड नॉट चेंज, शुड रिमेन सेम, शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड कंप्लीमेंट प्रोडक्शन। नंबर ऑफ सप्लायर शुड रिमेन सेम। नो डिस्कवरी आर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनमें इजाफा नहीं होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज में इजाफा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमी को सामने रख के फैक्टर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अगर गैस के, तेल के इतने ज़हायर दरियाफ्त होंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर जो एग्जिस्टिंग ज़हायर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सप्लाई क्या होगी, ओवर कम हो जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये भी इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। ये अजम्पशन क्लियर है, तो लॉ को डिस्क्राइब कर लिया। जी मेरे भाई बताइए कैसे हमने डिस्क्राइब किया लॉ ऑफ सप्लाई को। जी
नहीं जरा थोड़ा सा एग्जाम में जो वर्डिंग लिखनी है उसमें बताइए, इफ प्राइस ऑफ ए गोल्ड इंक्रीजेस इस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इस क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस, सेटरस पारिबस यानी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, और अदर फैक्टर्स से उसकी क्या मुराद है, नॉन प्राइस डिटरमिनर। चलिए डिस्क्रिप्शन हो गई, इसके बाद आगे टेबल या शेड्यूल। ठीक है, टेबल क्या आपको बताया था कि टेबल या शेड्यूल इकोनॉमिक्स में जितने भी हम बनाते हैं सब में हाइपोथेटिकल फर्जी नंबर्स या फिगर्स को यूज किया जाता है। तो जब फर्जी करना है तो हम मुश्किल के बजाय आसान वाली फिगर्स को क्यों ना अज्यूम करें। तो हमने अज्यूम किया, अब ये देखें लॉ ऑफ सप्लाई है, इसमें एक तो लॉ को देख लें प्राइस का जिक्र हो रहा है और दूसरा क्वांटिटी सप्लाइड का जिक्र हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जब हमने टेबल बनाना है तो दो कॉलम हो गए, एक प्राइस का और एक क्वांटिटी सप्लाइड का। प्राइस क्या है 1, 2, 3, 4, 5, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 1, 2, 3, 4, 5। यानी अब ये देखिए वही मैसेज यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, वही मैसेज यहाँ टेबल फॉर्म में मिल रहा है। इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। साथ में तीसरा फैक्टर को ऐड तो किया ही नहीं मैंने, तो उसका मतलब है वो सेम। इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा अब बताइए क्या मेरे ऊपर इकोनॉमिक्स में लाजमी है कि मैं इसी टेबल के मुताबिक डायग्राम बनाऊं? दो अल्फाज यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक नंबरिंग एक लेबलिंग। नंबरिंग के बारे में एग्जामिनर कहता है रिक्वायर्ड नहीं है, लेबलिंग के बारे में एग्जामिनर कहता है रिक्वायर्ड है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलतियां इसी में करते हैं। नंबरिंग से क्या मुराद है, एक्स एक्सिस पे मैं 1, 2, 3, 4, 5 लिखूं, y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखो, लिख भी सकते हैं मना नहीं है, लेकिन जब ये रिक्वायर्ड ही नहीं है इससे इसके मार्क्स ही नहीं है तो फिर मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं। ठीक है, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 करके भी डायग्राम की शेप यही बननी है, कर्व यही बनना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस पे क्या मेजर हो रहा है ये जहन में रखिएगा। जिनका मैथ स्ट्रांग होता है ना वो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये प्राइस तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ये प्राइस तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे तो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंडेंट वेरिएबल है इसे वाई एक्सिस पे आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इंडिपेंडेंट क्या होता है, मुझे नहीं समझ आते। मुझे तो हमारे जो बड़े इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने सिखाया है कि प्राइस को जब कभी मेजर करना है वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी सप्लाइड को जब कभी मेजर करना है एक्स एक्सिस पे। आप मैथ में जो मर्जी करें मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है, लेकिन उसी तरह इकोनॉमिक्स में मैं जो मर्जी करूं मैथ वालों को क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है। ठीक है, तो प्राइस हमेशा किधर होगी इकोनॉमिक्स में एक्सिस पे, और क्वांटिटी सप्लाइड किधर होगी एक्स एक्सिस पे। और फिर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली, ये क्या है सप्लाई कर्व, ये कैसे ड्रा हुआ, हैरान हो रहे होंगे आप, परेशान हो रहे, हैरान हो रहे हैं कैसे ड्रा हुआ, ये देखिए कैसे ड्रा हुआ, ये लीजिए ये सप्लाई कर्व। अब बताइए क्या ये शो कर रहा है वही मैसेज, क्या इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज। देखिए जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, एंड इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेस। मैसेज वही है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, मैसेज वही है जो टेबल में है, मैसेज वही है जो ग्राफ या डायग्राम में है, प्रेजेंटेशन का तरीकाकार फर्क है। बताइए इकोनॉमिस्ट का फेवरेट तरीका क्या है प्रेजेंटेशन का, ग्राफ। ठीक है, हम एग्जाम में क्वेश्चन में हमने ध्यान से देखना है कि क्या उसने सिर्फ डिस्क्रिप्शन मांगी है, क्या टेबल मांगा है सिर्फ, या सिर्फ ग्राफ मांगा है, या कौन सी दो चीजें और कौन सी तीन चीजें मांगी है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा फर्ज कीजिए अगर मैं ये नहीं लिखता बताइए मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं,
नहीं, आई कैप कहता है ये लेबलिंग है, इसके मार्क्स मैं डिडक्ट करूंगा जी। स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाँ बिल्कुल, जैसे डिमांड में नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव भी ठीक है सर आप बोले, लेकिन अगर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलेंगे मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। आप यूं कीजिए, यूं कहिए कि सप्लाई का स्लोप अपवर्ड है और डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड है। वैसे मैथमेटिकली आपकी बात ज्यादा दुरुस्त है, क्योंकि ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव है और डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव है। वैसे भी कह सकते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, दोनों टर्म्स यूज होती हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए इसके बाद कहता है प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस क्या है, इस लॉ की प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस क्या है। कहता है जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था ना, डिमांड की प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस क्या है, किसी भी गुड की प्राइस डिटरमिन करने में हेल्पफुल होता है। उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई की प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस क्या है, किसी भी गुड की प्राइस डिटरमिन करने में हेल्पफुल साबित होता है। और दूसरी क्या है, प्रोड्यूसर के लिए आसान हो जाता है ये डिसाइड करना कि उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, लॉ ऑफ सप्लाई की मदद से। ठीक है, जिस चीज की प्राइस ज्यादा हो रही होगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, जिसकी प्राइस कम हो रही होगी उसके ऊपर कम फोकस करेंगे, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये हमारी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस, सिंपल जी। कुछ समझ आया आपको लॉ ऑफ सप्लाई? इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ ली, इसमें हमने टेबल बना लिया, इसमें हमने डायग्राम बना ली, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस देख ली और अजम्पशंस भी देख ली। अब खुद बताइए इसमें कितना टाइम लगा आपको? मेरा ख्याल 10-15 मिनट नहीं लगे होंगे ये समझने में, सिर्फ इसलिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्लियर था। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड का ऑपोजिट है, और अगर इसी तरह आपने लॉ ऑफ सप्लाई को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो लॉ ऑफ डिमांड भी ऑपोजिट है। अब आज जो कुछ सिखाना था वो तो इतना ही था, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, अख्ताम हो रहा है। लेकिन जहन में रखिएगा, अभी आप लोगों की छुट्टी नहीं हुई, मैं चाह रहा हूँ आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाना। अभी आपने रीडिंग करनी है अगले 5 मिनट में, और रीडिंग के बाद आपने इस डायग्राम को, मैं चाहता हूँ एक दफा अपने हाथ से ये टेबल के नंबर को यूज करते हुए बनाइए, एक दफा टेबल के नंबर को यूज करते हुए बनाइए, फिर उसके बाद टेबल के बगैर बनाइए और देखिए दोनों में कोई टेक्निकली फर्क है कि नहीं है। ठीक है, ये असाइनमेंट समझ आ गई? अभी कीजिए, मैं फिर आप इंडिविजुअली आपकी डायग्राम चेक करनी है सही बनाई क्या नहीं, और उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करूंगा जो कि आई कैप ने एग्जामिनर कमेंट्स में किए हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जब ये डायग्राम बना ले होंगे तो इसी तरह की गलतियां करेंगे। ठीक है, तो जी शुरू कीजिए।